कैसे होगा? देखो कि ये सारे प्रूफिंग वाला जो क्वेश्चन है, प्रूफिंग क्या मतलब, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रूफिंग, बट एग्जाम में कुछ भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह का जब भी इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, एक गिलास नहीं है, एक कप चाहिए था मुझे, तो बहुत ज़्यादा, इसको डाल दीजिए उसमें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चल जाए, ठीक है। तो जो ये इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं डालूंगा जी। ये इनइक्वलिटी टाइप का जो क्वेश्चन है, ये इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। देखो हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है कि भाई एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, ठीक है, यही है। मान लेता हूँ इस फंक्शन को एफ एक्स, इसको जी एक्स, तो इस तरह से ही तो प्रूफ करना है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, है कि नहीं। तो ये जो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, हमें ये बात प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इस बात को, ठीक है, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, कि टू प्रूफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए से कॉमा बी, ठीक है, वी कैन ऑल्सो प्रूफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। बताओ ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि यदि एफ एक्स ऑफ माइनस जी एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो आ गया और जी एक्स इधर लेके आ गया, तो ये यही चीज़ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो, हाँ या ना, आ जाएगा। तो और सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये पूरी फंक्शन को हम देखें तो ये पूरी फंक्शन किस तरह का फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कहीं पर मैं, मुझे यदि ये प्रूफ करना है एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा तो ये बात हो सकता है, या ये भी बोल सकता हूँ कि एफ एक्स माइनस जी एक्स वी हैव टू प्रूफ एफ एक्स माइनस जी एक्स हैज लीस्ट वैल्यू एज पॉजिटिव, ओके, कि एफ एक्स और जी एक्स का, एफ एक्स माइनस जी एक्स का जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव। यदि लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इस बात की गारंटी है कि वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो उससे मैं बोल सकता हूँ ये बात। बताओ बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? अरे बोलो सब लोग, हाँ या ना, हेलो, कोई कुछ पता नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये बात प्रूफ कर देंगे कहीं पर भी तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तब ये क्वेश्चन उठता है कि ये बात कैसे प्रूफ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है कि नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैं प्रूफ कर दूंगा तो काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब भी एफ एक्स माइनस जी एक्स को मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन इस तरफ लाने पर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, या इसको मैं ये प्रूफ कर दूं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसे तुम नोटिस कर रहे हो, याद करो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अब प्लस वन है, तो ये गारंटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, या ऐसे लिख दो तुम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो इस बात की गारंटी है कि ये ओवरऑल को तुम नोटिस करके देखो तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा, बोलो हाँ या ना, देगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि ये इक्वल भी जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल कब जीरो होगा, जब ये वैल्यू माइनस वन आ जाए, ये प्लस वन आ जाए, तो ये तो कभी माइनस में आएगा नहीं। अब इक्वल तभी हो सकता है जब ये जीरो आ जाए, ये जीरो आ जाए, और साइमल्टेनियसली कभी भी ये जीरो नहीं आ सकता है, एक साथ जीरो। यदि ये जीरो आएगा तो ये नहीं आएगा, और ये आएगा तो ये नहीं आएगा, तुम नोटिस करो देखो फंक्शन ऐसा बना है, ये कभी ज़िंदगी में जीरो नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी तो गारंटी जीरो से बिगर होगा, जीरो से बिगर होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऑलवेज होगा, है कि नहीं, बोलो हाँ है ना, लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक सिंपल आइडिया है, और इस सिंपल आइडिया से किया जा सकता है इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन का प्रूफिंग वाला क्वेश्चन, मतलब इस तरह का इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन। जब भी इनइक्वलिटी आपको दिखे कैलकुलस में,
तो आप इस चीज को याद रखना, या तो आप इसको इंक्रीजिंग फंक्शन, या तो आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ कर दो, है कि नहीं, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और या आप इसको एक पॉजिटिव क्वांटिटी, जैसे हमने बस मैनिपुलेशन से बता दिया कि देखो ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वन होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वन की तरफ जाएगा, और यदि ये वन की तरफ जाएगा तो गारंटी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, गारंटी है तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वन का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन माइनस साइन स्क्वायर x होगा, इस तरह से कर सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सही हो मैथमेटिकली, क्यों हम अभी तो एग्जामिन किए नहीं क्वेश्चन को, तो बस एक बात बताया, ठीक है, जब क्वेश्चन देगा तो पूरी तरह से करेक्ट क्वेश्चन देगा, तो इसमें गलती मत निकालना, ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ओके। तो अब देखो कि हमें उसको प्रूफ करना है, अब सोच के देखो, दिमाग लगाओ कि वो कैसे प्रूफ होगा, x1 इज ग्रेटर देन x2 है, और x1 माइनस टेन वर्स x1 इज ग्रेटर देन x2 माइनस टेन वर्स x2, ओके, तो ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, ध्यान देना, सपोज मैंने कर लिया कि लेट एक फंक्शन सपोज कर लिया fx इज इक्वल टू x माइनस टेन वर्स x, ठीक है, ये सपोज कर लिया, ओके, तुम नोटिस करके देखो, इधर भी x माइनस टेन वर्स x है और इधर भी x माइनस टेन वर्स x टाइप का ही फंक्शन है, इसीलिए हमने इस तरह का सोचा। अब देखो, यदि मैं इसका f डैश x निकालूं तो f डैश x क्या निकलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन टेन वर्स x का क्या होता है जी, 1 प्लस x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब तुम नोटिस करके देखो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या आ गया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आया कि नहीं आया, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स कैसे क्वांटिटी है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और हमें पता है कि यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में यदि x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा तो f में क्या रिलेशन होगा जी, f ऑफ x1 क्या होगा, ग्रेटर देन, सब जानते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये मान लेता हूँ एक्स वन है और ये एक्स टू है, तो नोटिस करके देखो ये मेरा क्या है एफ एक्स वन और ये मेरा क्या है एफ एक्स टू, तो सही बात है कि नहीं, कि इंक्रीजिंग कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो यदि एक्स वन इज ग्रेटर देन, इसको उल्टा मैं लिख दिया, ठीक है ना, ये एक्स टू है, ये एक्स वन, मैंने एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू लिखा हो ना, तो इसको एक्स टू मानो, इसको एक्स वन मानो, तो ये एक्स टू हो गया और ये एक्स वन हो गया, मतलब उल्टा है, तो टेंशन मत लेना, सही बात है कि नहीं, सबको ये बात समझ में, देविका समझ में आया, ऐसा हो, तो ऑब्वियस ही बात है, तो x1 इज ग्रेटर देन x2 है, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 क्या हो गया, f ऑफ x2 होगा, अब f ऑफ x1 इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा जी, x1 माइनस टेन वर्स x1 इज ग्रेटर देन x2 माइनस टेन वर्स x2 प्रूफ, समझ में आया कैसे किया मैंने, समझ में आया सबको, बताओ जी, तो जब भी इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, और दिखे कि मतलब साइन कॉस टैन इस तरह का चीज़ इन्वॉल्व है, तो आप याद रखना ये मेथड, ओके, ये जो मेथड मैंने बताया ये याद रखिएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, जे एडवांस में पूछे हुआ है क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जी मेन जी एडवांस दोनों में पूछता है, क्वेश्चन है लेट एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो एंड लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस नाइन एफ ऑफ थ्री माइनस एक्स प्लस एफ देन फाइंड Then find interval of
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, लगाओ दिमाग, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, करो तो इस क्वेश्चन को फटाफट।
किसी का आया, किसका इसका आया, बरसा उसी आया आपका। चलो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। तुम नोटिस करके देखो क्या लिखा हुआ है कि एफ डबल डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो। एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या है, लेस देन जीरो, अरे है कि नहीं। इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, इज और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बताओ है ना। एफ डैश एक्स क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल होगा। एफ डबल डैश एक्स, सबको पता है कि एफ डैश एक्स जब लेस देन जीरो होता है तो एफ एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, अरे होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। मतलब एक डेरिवेटिव होने पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है एफ डबल डैश एक्स यदि लेस देन जीरो होगा तो एफ डैश एक्स इस बात की गारंटी है क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है, हमेशा होगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से जी डैश एक्स कर देते हैं। ओके, तो जी डैश एक्स मेरे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश थ्री माइनस एक्स इंटू थ्री माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट करूँगा तो फिर माइनस वन आएगा, और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस नाइन, एफ डैश एक्स माइनस नाइन, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही वन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। अब तुम मुझे बताओ, ठीक है, कि जी डैश एक्स को, ठीक है, एफ डैश एक्स मेरा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यदि एफ डैश एक्स मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है, कि सपोज कंसिडर कर लेते हैं कि जी डैश एक्स, भाई जी डैश एक्स को क्या प्रूव करना है, जी डैश एक्स को ये मुझे लाना है कि ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो, किस इंटरवल में होगा, यही बात तो निकालना है कि नहीं। जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो किस इंटरवल में और लेस देन जीरो किस इंटरवल में, यही बात निकालना है, बोलो हाँ या ना। तो सपोज कर लिया कि लेट लेट जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इससे मैं इंटरवल निकालने जा रहा हूँ। तो जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स थ्री माइन, ये माइनस नाइन के साथ हो जाएगा, थ्री माइनस एक्स प्लस एफ डैश एक्स माइनस नाइन इज ग्रेटर देन जीरो, होगा कि नहीं होगा, बताओ आया, सही बात है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं इधर लेके चला गया तो यहाँ से क्या हो गया, एफ डैश एक्स माइनस नाइन इज ग्रेटर देन एफ डैश थ्री माइनस एक्स, बताओ होगा कि नहीं होगा, बोलो आया ना, सही लिखा हूँ। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहीं पे स्टोरी है, ठीक है, मेन स्टोरी यहीं पर है। क्या है स्टोरी, कि एफ डैश एक्स जो मेरा है वो किस तरह का फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें पता है कि एफ एक्स वन यदि ग्रेटर देन एफ एक्स टू है तो दिस इंप्लाइज एक्स वन और एक्स टू में क्या रिलेशन होगा, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग है, हाँ डिक्रीजिंग है। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये एक्स वन है, मैं क्या लिखा हूँ, एफ एक्स वन ग्रेटर देन, तो एक्स वन है ये एक्स टू है, तो इसका मतलब क्या आएगा, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू आएगा कि नहीं आएगा, देखो ध्यान से, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आया ना, आएगा। तो यहाँ पर तुम नोटिस करके देखो कि एफ डैश एक्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो एक्स वन है एक्स माइनस नाइन इज क्या हो जाएगा, लेस देन थ्री माइनस एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। और इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो क्या आ जाएगा, टू एक्स इज लेस देन, इसको इधर लेके जाओ तो बारह, तो एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा छः, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से छः, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या कंसिडर करके चले थे, जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और इस कंडीशन में एक्स क्या निकल के आया ये, तो इसका मतलब इस इंटरवल में हमारा जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। और इसके रिमेनिंग में क्या आएगा, डिक्रीजिंग, लेस देन के लिए सॉल्व करोगे तो उसके उल्टा आएगा, समझ में कैसे होगा ऐसा क्वेश्चन, बोलो है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, देखना सीट में भी होगा, आपके जे मेंस जे एडवांस में भी होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया सबको।
बताओ समझ में आया कि नहीं, कि फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ ओके यस ओके, तो लेस देन वाला तो आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, कर लेना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ओके तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पूछता है, 99% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। देखो इस बात को समझना, मैथ्स जो है ना कम्प्लीटली लॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है? कम्प्लीटली सारा लॉजिक्स है और सारा लॉजिक्स कनेक्टेड है आपस में, बट मैं बार बार याद करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद रहेगा ना तो एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन होगा आपसे, याद नहीं रहेगा तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, और लॉजिक लगाओगे तो आप इतना फास्ट तो दिमाग नहीं चलता है कि भाई फटाफट लॉजिक लगा लोगे, है कि नहीं? तो इसीलिए चीज़ें जितना याद रखोगे। सर हाँ सर इसमें हमें ना पता नहीं था जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लेकिन हम था। कंसीडर करके चले थे ना जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लेट, और जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो लिखा मैंने, लिखा ना, और बाद में इसको ग्रेटर देन जीरो होने पर बाद में मैंने कंडीशन ये निकाला, तो जब जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो किस इंटरवल में हुआ? इस इंटरवल में हुआ, ठीक है? हाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था ना हमें, तो फिर हम सिंगल डेरिवेटिव यूज करके क्यों सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टली डबल डेरिवेटिव से क्यों नहीं कर सकते। नहीं, डबल डेरिवेटिव से क्या आता है बताओ? डबल डेरिवेटिव क्या दिखाता है? कनकेविटी अप या कनकेविटी डाउन, है कि नहीं? तो उससे हमें क्या पता लगेगा? हमें उससे इंटरवल थोड़ी ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ठीक है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल हमें निकालने के लिए हमने ऐसे इस्तेमाल किया, ठीक है? और उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया यदि ये पूछोगे तो ऑब्वियस ही बात है, यदि उसको इस्तेमाल करने जाएंगे तो कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाएंगे? नहीं पता लग सकता है डबल डिफ्रेंशिएशन से, सिंपल लॉजिक यही बोल सकता हूँ मैं। चलिए कर दिया था वो। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस ये आपका x³, ठीक है? फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, सेटिस्फाइंग द इक्वलिटी 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5 एक्स। ओके इस क्वेश्चन को लगाओ तो दिमाग इस क्वेश्चन में,
आया किसी का कुछ? किसी का कुछ आया जी? चलो देखो, इतना टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे होगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स क्यूब, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी होगा यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, इनइक्वलिटी वन माइनस एफ एक्स माइनस एफ क्यू दिस। अब तू नोटिस करके देखो यहाँ पर कि ये जो एक्चुअल में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बताओ तो मुझे, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है, किसने नोटिस किया, क्या लिखा हुआ है, कौन बताओगे क्या लिखा हुआ है ये? हाँ बिल्कुल सही, ये कुछ नहीं है, ये एफ एक्स, एफ एक्स इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एफ एक्स। आप थोड़ा सा नोटिस करो तो आपको आइडिया लगेगा कि गुड, तो ये एफ ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है और इधर क्या है मेरा, एफ ऑफ वन माइनस फाइव एक्स। अब यहाँ से तुम नोटिस करके देखो, यदि मैं एफ डैश एक्स निकालूँ तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस वन, और यहाँ से क्या निकलेगा जी, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो तुम नोटिस करके देखो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और जब इसमें माइनस निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये क्वांटिटी क्या आएगा, निगेटिव, और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव माइनस निगेटिव क्या आएगा, ओवरऑल निगेटिव आएगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स क्या है मेरा, लेस देन जीरो है कि नहीं है, बोलो यार। तो एफ डैश लेस देन जीरो है, दैट मीन्स एफ एफ एक्स मेरा कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और दिस इज ग्रेटर देन दिस है, डिक्रीजिंग फंक्शन है और इनक्रीज, ये एक्स वन एक्स टू है, ठीक है, तो ये देखो एफ एक्स इज, यानी एक्स ये ग्रेटर है इससे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, क्या साइन लगेगा बीच में बताओ सोच के, क्या साइन लगेगा, क्या साइन लगेगा, लेस देन लगेगा, बिल्कुल। तो एफ एक्स क्या हो गया, लेस देन वन माइनस फाइव एक्स हो गया कि नहीं, और एफ एक्स के बदले मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ, तो वन माइनस एक्स माइनस एफ क्यूब इज लेस देन वन माइनस फाइव एक्स। ओके, पूरे को इधर लेके चले जाता हूँ, तो एक्स क्यूब इधर लेके आऊँगा तो प्लस फोर एक्स, और ये वन वन कैंसिल हो जाएगा तो ग्रेटर देन जीरो। देखो तो ये आएगा, बताओ सही लिखा हूँ, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स होगा, सॉरी, ठीक है। अब एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। सबको पता है इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, पता है ना जी, तो सॉल्व कर दिया, ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, माइनस टू से जीरो और टू से इन्फिनिटी, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से जीरो यूनियन टू से इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सबको, था नहीं जी, ये कैसे किया, ये ऐसे किया, अभी अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था कि देखो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो यदि एक्स वन इज लेस देन एक्स टू है, देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, एफ ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, देखो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो होता है कि नहीं होता है, बोलो आया ना, होता है। अब हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि एफ एक्स इज क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और एक्स वन इज लेस देन, यदि ऐसा सिस्टम है तो ऐसा लिख सकता हूँ इसको, तो तुम नोटिस करके देखो, ऐसा सिस्टम है कि नहीं यहाँ पे इसके जैसा, और ऐसा सिस्टम है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वन की जगह कौन है ये, एक्स टू की जगह ये है, तो इससे लिख दिया। ओके
सभी को आया समझ में? देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसे पीछे कराया सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन, फॉर विच द फंक्शन, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए साइन टू एक्स, ए साइन टू एक्स माइनस वन बाय थ्री साइन थ्री एक्स प्लस टू ए एक्स इंक्रीजेज थ्रू आउट द नंबर लाइन, इंक्रीजेज थ्रू आउट द नंबर लाइन। ओके ये है क्वेश्चन, लगाओ इसमें दिमाग। ये देखो सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एप्लीकेशन है, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का एप्लीकेशन है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। किसका या कुछ आया किसी का?
बहुत टाइम हो गया। चलो देखो, किसी ने किया? हेलो, किसी ने किया? तो कुछ नहीं बोले, इसका मतलब नहीं किया। हाँ जी, चलो मैं करूं क्या? चलिए देखिए कैसे होगा इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजेज थ्रू आउट द नंबर लाइन। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, थ्रू आउट द नंबर लाइन का मतलब पूरे रियल नंबर में। इसका मतलब इतना ही है कि नहीं? कि पूरे रियल नंबर में क्या है, लाइन का मतलब क्या होता है, पूरा रियल नंबर में ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? देखो तो ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस ए साइन 2x इंटू कॉस 2x और इंटू 2, है कि नहीं? सही है। माइनस 3/3 साइन 3x, सॉरी कॉस 3x इंटू एक्स, तो 1 हो जाएगा और प्लस 2। देखो तो सही डिफ्रेंशिएट किया हूँ क्या? मुझे गलत लग रहा है एक जगह। ओके, कहां पर? ये अच्छा, ये 2a हो जाएगा और ये कॉस 2x हो जाएगा, है कि नहीं? सही लिखो ना, और ये कॉस 3x। सही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 3 गया तो यहाँ क्या बच गया? कॉस एक्स माइनस कॉस 3x और 2a कॉमन ले लो, प्लस 2a कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x, है कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल आएगा। अब देखो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? कॉस एक्स माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला आएगा, है कि नहीं? तो कॉस डी वाला, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 2a इंटू 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकता हूँ? टाइम 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो है ना, सही है? ठीक है, ओके। तो ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दो कि देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? देखो साइन माइनस माइनस 2x/2, ओके, 2 2 गया और साइन माइनस थीटा क्या था? माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस मिलके क्या कर देगा? प्लस। तो ये क्या आ जाएगा? देखो साइन, यहाँ क्या आ जाएगा? 3 1 4/2, तो ये साइन 2x इंटू, ये क्या आ जाएगा? देखो साइन एक्स, हाँ और प्लस ये क्या आ जाएगा? 4a साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? देखो साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ? 2 2 जब 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 4a साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 4 sin² x कॉमन ले सकता हूँ, और 4 sin² x कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आ गया? कॉस एक्स, यहाँ से क्या आ गया? प्लस ए। अब बोल क्या रहा है? देखो कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। होगा कि नहीं होगा? इसको क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो तुम नोटिस करके देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसी के साइन पे डिपेंड करेगा। ये इसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, तभी ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस एक्स जो है, ठीक है, इसको ग्रेटर, कॉस एक्स प्लस ए जो है इसको क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलो है ना। अब ये कॉस एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से इसको इधर लेके जाओ तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो आया ना।
बिल्कुल सही है। अब देखो ये पूरे की वैल्यू, पूरे की वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगा, -1 से 1 के बीच में वैरी करेगा, नहीं करेगा, बोलो है ना। तो क्या बोल रहा है कि ए जो है -1 से 1 से बड़ी वैल्यू है, उसके लिए ए को क्या होना पड़ेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ए जो है -1 से 1 के बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए ए की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ए की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ए की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। तभी तो इससे हमेशा, यानी इस वाले वैल्यू, यानी इसके बीच -1 से 1 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, इससे इसके बीच में जो भी वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है इससे बियॉन्ड रहेगा तभी तो इससे बड़ी आएगी, ठीक है। तो ए को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि इक्वलिटी भी जा सकता है तो इक्वल भी हो सकता है 1 के बराबर, ठीक है। तो इक्वल भी हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है इक्वलिटी 1 कर दो, -1 नहीं कर सकते इक्वल, क्यों, क्योंकि -1 कर दोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 1 -1 इज ग्रेटर देन, मैं लिख सकता हूँ या इक्वल टू लिख इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, और इसकी वैल्यू एक बार जब +1 आएगा तो -1 और बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो -1 पर भी इक्वलिटी डाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो यूनियन आपको ना ये भी लिखना पड़ेगा, तो ए बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा 1 से इन्फिनिटी, यूनियन -1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि -1 भी तो आ सकता है ना जब कॉस एक्स की वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या होना, -1, तो -1 बराबर -1 पॉसिबल तो है। तो ये दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कहाँ नहीं आया समझ में, कहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करने की नीड है, बोलो। लास्ट लास्ट में जब मैंने वैल्यू डिसाइड किया, देखो बोल क्या रहा है कि कॉस कॉस एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -cos x, सही बात है, सही बात है, बोलो आया ना। में तो ए को क्या होना पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है इंक्लूडिंग -1, क्या बना रहे हैं आप, पोहे खिला दीजिए, बढ़िया आप अच्छा बनाते हैं आप, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच में है, तो ए को क्या होना पड़ेगा, -1 से 1 के जो बीच में जो वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू होना पड़ेगा, तभी तो हमेशा इससे बड़ी आएगी, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यस सर, तो इसीलिए ए की वैल्यू को मैंने ग्रेटर देन 1 लिया। अब इक्वलिटी भी हो रखा है, तो ए बराबर क्या हो सकता है, -1 या 1, तो ए की वैल्यू क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है, क्योंकि कॉस एक्स की ये पूरी वैल्यू -1 और 1 भी हो सकता है कि नहीं। जब cos 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, और cos π पुट करोगे तो -1 आएगा, तो -1 प्लस 1 और ये -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि -1 और 1 के बराबर भी आ सकता है, तो ए की वैल्यू -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तब भी ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो हमेशा ए क्या आएगा, ए की वैल्यू जब 1 से इन्फिनिटी रहेगा तो हमेशा ए क्या आएगा, हमेशा इस -1 और 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बोलो आया ना। अब बोलोगे कि सर 1/0.5 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, 0.5 तो 0.3 बिगर है, बट 1 से बिगर थोड़े ना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 भी जा सकता है ना जी, यस -1। सर, मेरे ख्याल से ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, -1 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -1 इज ग्रेटर देन कभी वैल्यू आ गया 0.5, तो ये ट्रू होगा क्या, क्योंकि वैल्यू तो आ ही सकता है इसकी वैल्यू 0.5, तो -1 को भी हटा दो, इसीलिए 1 से इन्फिनिटी। और 1 लिखूंगा तो 1 या तो बराबर होगा या पक्का है ग्रेटर होगा इसके बीच में जो भी वैल्यू होगा उसके, है कि नहीं। तो इसलिए आंसर इज दिस, वो गलत कर दिया था, ठीक है, समझ में आया। तो आंसर क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी होगा। अरे भाई सिंपल है, कॉस एक्स जो ए जो है -cos x से बिगर होना चाहिए, तो इसीलिए ए को क्या क्या होना पड़ेगा ये एनालिसिस करना है। आया समझ में कि नहीं आया, -1 क्यों हटा दिया, लॉजिक समझ में आया, आया समझ में, स्टिल कंफ्यूजन है तो जल्दी बोलो फटाफट, आगे बढ़ेंगे, नहीं है। -1 इसलिए हटाया कि मान लो कि ए की वैल्यू -1 हो गया मान लो, ठीक है। अब -cos x की वैल्यू क्या हो सकता है, -cos x की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी ए इज -1 इज ग्रेटर देन, मैंने लिखा -cos x, ऐसे ही लिखा ना जी, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब ए की वैल्यू -1 लिया तो इसका मतलब यही हुआ, बोलो आया ना, सही बात है। अब तुम बताओ इस एक्स की तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो इस -cos x की वैल्यू, -cos x वैल्यू 0.5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं ना,
क्योंकि इसके बीच में तो कोई भी, इसके माइनस वन से वन के बीच में जितनी वैल्यू है सबके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो ये माइनस वन के लिए तो ट्रू है, रिमेनिंग सारे के लिए फेल है, तो उसको फेल मानेंगे ना, करेक्ट। इसीलिए माइनस वन को हटा दिया, पहले मैं इक्वलिटी ही सिर्फ सोच रहा था, बट ये भी तो ऐसा भी तो चेक करना पड़ेगा। ओके बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं बता रहा हूँ, कैलकुलस जो है ना सिंपल दिमाग का गेम है, ठीक है ना, प्योरली दिमाग का गेम, थ्योरी नाम का चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तुम नोटिस करके देखो, टेंजेंट नॉर्मल में कितना थ्योरी बताया, कुछ नहीं बताया। जो थ्योरी थोड़ा बहुत बताया, देखो शुरू से देखो, फंक्शन में थोड़ा बहुत मैंने थ्योरी बताया, ठीक है, लेकिन थ्योरी भी कितना है, क्या कोऑर्डिनेट जितना थ्योरी है नहीं है, ठीक है। अलजेब्रा जितना भी थ्योरी नहीं होगा, अलजेब्रा में भी थ्योरी ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखो कितना थ्योरी था, याद करो। सीक्वेंस सीरीज में तो चलो ज़्यादा थ्योरी नहीं है, अभी पढ़ाएंगे परमुटेशन, उसमें भी थ्योरी अच्छे खासे हैं, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल में भी है थ्योरी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में चलो ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बट है थोड़ा बहुत। तो कैलकुलस में थ्योरी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तुम नोटिस करके देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट अप्लाई हुआ। कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ है जी, बताओ कौन सा कंसेप्ट अप्लाई, इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ है, कौन सा हुआ है, ये तो बता ही सकते हो ना, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ है? बस एक ही कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दैट्स इट। उसके बाद क्या अप्लाई हुआ है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया हूँ, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद पूरा क्या है, एनालिसिस पार्ट है। यहाँ पर जब ये इनइक्वालिटी आया, जब इसको सॉल्व किया, तो ये तो सब लोग सॉल्व कर लोगे, ग्रेटर देन जीरो की बेन है। फिर यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करके फाइनल आंसर लिखा कि फाइनल आंसर ये होगा। आप देखो कि इसमें ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो आपको नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन कितना शानदार है, नोटिस करके देखो, ठीक है। तो मेरा पॉइंट यही है कि, और देखो यही चीज़ आपको सीखना है, कि यही चीज़ एक्चुअल में सीखना होता है, कि ये एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है ना, वही एनालिसिस वाला पार्ट सीखना है। यदि आप ये चीज़ सीख लिया ना, तो आपका काम हो गया, आपका दिमाग एनालिटिकल बन गया। और अल्टीमेटली दिमाग कौन, एनालिटिकल ही बनाना होता है, ठीक है। ये रोट वाला जो मेथड होता है, रोट वाला मेथड से इंजीनियर कभी नहीं बन सकते हो आप, एक मजदूर बन सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। एक रोबोट बन सकते हो, कि आपको प्रोग्राम कर दिया जाएगा कि इतना प्रोग्रामिंग है, बस वही काम, वही टास्क परफॉर्म करोगे। तो देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ, कैलकुलस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एमंग मैथमेटिक्स, ठीक है। ऑल द कंप्यूटर साइंस पढ़ने जाओगे तो कैलकुलस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी ब्रांच या इलेक्ट्रिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच सब लोगे तो कैलकुलस कंटिन्यू ही रहेगा, या मैकेनिकल लोगे तो कैलकुलस कंटिन्यू रहेगा। कंप्यूटर साइंस में तो कैलकुलस खत्म, फिनिश्ड, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा सेकेंड ईयर के बाद। बट खैर वो तो बात की बात है, बट जी एडवांस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको जो पार लगाएगा वो है कैलकुलस ही, ठीक है। कैलकुलस ही आपको पार लगाएगा। देखो इस बात को समझना कि अप्रॉक्सीमेटली जी मेन और जी एडवांस में, ठीक है, देखो कौन कौन सेक्शन होता है, अलजेब्रा सेक्शन होता है, कैलकुलस सेक्शन होता है, कोऑर्डिनेट सेक्शन होता है, ट्रिगो सेक्शन होता है, और वेक्टर प्लस 3D सेक्शन होता है। ये टोटल पांच सेक्शन होते हैं इन शॉर्ट में। यदि इन पांचों का वेटेज देखें, ठीक है, तो इसका जो वेटेज होता है 15 से 25%, कैलकुलस का जो वेटेज होगा वो 20 से 30%, और कोऑर्डिनेट का जो वेटेज होगा वो 15 से 20%, ठीक है, और ट्रिगो का जो वेटेज होगा वो 10 से 15, 5 से 15%, ठीक है, और वेक्टर 3D का जो परसेंट, इसको 5 से 10 ही मानो, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहता, और इसका 15% के आसपास वेटेज रहता है। तो नोटिस करके देखो, 15 10 25 20, 15 10 25 और 25 50 50 100, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो जे में, जे एडवांस में यही डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेपर का। कोई कभी कभार यदि 12th से ज़्यादा पूछ देगा तो कैलकुलस से और ज़्यादा पूछ देगा आपको, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो यही वेटेज होता है। अब तो नोटिस करके देखो, मैं बताऊं कि अलजेब्रा का जो चैप्टर होता है, मैं पहले भी बताया, सिर्फ एक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट छोड़ दो, ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक, इन तीन को छोड़ दो, ठीक है ना, तो रिमेनिंग जितने भी चैप्टर है, ठीक है, रिमेनिंग कौन कौन चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक
और कौन है सीक्वेंस सीरीज, और कौन है बाइनोमियल थ्योरम, और कौन है पीएनसी, और कौन है प्रोबेबिलिटी। ये पांचों चैप्टर में हाईली स्किल्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत ही स्किल्ड क्वेश्चन बनते हैं। इनके क्वेश्चंस होना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। यदि ढंग का पूछ दिया तो मैं तो बोलूँगा छोड़ के आओ क्वेश्चन, कभी भी उसको उसके साथ लड़ने मत जाओ, गए तो आपका टाइम खराब करेगा, क्वेश्चन भी नहीं होगा। और याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना भी बहुत बड़ा आर्ट होता है, यानी बहुत बड़ी स्किल होती है कि किसको हम करें किसको नहीं। आपके पास 25 ऑप्शन है, तो उसमें से कौन क्वेश्चन सेलेक्ट करें कौन क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट। मान लो तुम्हारे पास दुश्मन है 1 से लेके 25 दुश्मन, तो सबसे पहले कौन से दुश्मन को निपटाओगे बताओ? सबसे कमजोर वाला को निपटाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो सबसे कमजोर वाला को निपटाए, तो सामने वही 25 दुश्मन है आपके पास, उनको निपटाना है, तो वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो आपका सबसे इजीली निपटा सकते हो। तो कभी भी इधर से यदि हाईली क्वेश्चन, हाईली मतलब स्किल्ड क्वेश्चन दिखे, कभी भी नहीं जाना। लेकिन कैलकुलस ऐसा है, ठीक है, स्किल तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्किल नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है, लिमिटेड। यदि दो चैप्टर को छोड़ दे, ठीक है, सिंपल एक चैप्टर को हम छोड़ दे, किसको, इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को, खैर इसका मैं शॉर्टकट दूंगा तुम्हें, यदि शॉर्टकट चल गया ना इसका तब तो इनडिफिनिट धाराशाही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं चला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे चलेगा, यदि ये शॉर्टकट नहीं चला इनडेफिनिट का, ठीक है, तो आपको यही फंसाएगा। रिमेनिंग कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, रिमेनिंग सारे चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते। हाँ, कंडीशन ये है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, उतना मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट वो और आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिस मैं नहीं करवा सकता हूँ। तो इसीलिए तुम सोचो कि यदि आप कैलकुलस को हथियार बना लो, ठीक है, और वेक्टर को हथियार बना लो, ठीक है, वेक्टर 3D को, ये दोनों मिला के, ठीक है, लगभग 45% कंट्रीब्यूट करता है। और ऑब्वियस ही बात है, ऐसा तो नहीं है कि अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही टफ पूछेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी कभार टफ इसलिए बच्चा को लगता है, ठीक है, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं रहता है, तो उसको करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है, कि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट फिर फाइंड आउट करो फिर अप्लाई करो, तो उसमें ये टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं है, और अलजेब्रा में भी पूछेगा ही थोड़ा बहुत इजी, और वो इजी मान लो अप्रॉक्सीमेटली 5% इसमें मान लेते हैं, 5% इसमें मान लेते हैं, ट्रिगो को मैं साइड ही कर देता हूँ, तो भी 10% हुआ, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 55%। यदि आप 55% अटेम्प्ट किया और यदि आपने 50% सही कर दिया, तो आप समझो कि कोई भी एग्जाम, कोई नहीं बोल सकता कि आपने मैथ्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, ठीक है, 50% इज ए गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, समझ बात है। और ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ये कॉम्बिनेशन एकदम मतलब गारंटी वाला कॉम्बिनेशन बनता है, कैलकुलस, वेक्टर 3D और 5 से 10% अलजेब्रा में और 5 से 10% कोऑर्डिनेट में। अब मान के चलो कैलकुलस थोड़ा टफ आया, तो भाई 30 नहीं 20 पर जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट इजी आएगा, कैलकुलस टफ करेगा तो भाई अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट इजी करेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सबको टफ कर देगा, और करेगा तो पूरे इंडिया के बच्चों के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए तो ऐसा नहीं कि होगा, सारे बच्चों के लिए होगा, और सब लोग इसी तरह से पढ़ता है, ठीक है। तो इस बात को समझना, कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, और कोऑर्डिनेट में यदि आपको सारे रिजल्ट याद है तो कोऑर्डिनेट बहुत ही चाहिए, तो इसीलिए आपका जे एडवांस भी हो जाएगा और जे मेन भी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलस, तो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं एकदम डिटेल में ही जा रहा हूँ, मैं एकदम क्या बोलते हैं 11th 12th जिसको जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं 13th के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ तो टाइम थोड़ा भी नहीं लगेगा, बट फिर भी मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक, ठीक है, कर सकते हैं आप, ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक समझ में सबको आ गया, बोलो आए ना। तो इसीलिए कैलकुलस को थोड़ा फोकस में रखिएगा, कैलकुलस में आपके पास देखो अच्छे खासे टाइम है, पेपर अप्रैल से पहले तो होने से रहा, और अप्रैल में भी नहीं होगा, बस सफिशियंट टाइम है, आप मेहनत करो सही से, दिल से मेहनत करो, ठीक है, बहुत मतलब जेई मेंस निकालना बहुत आसान काम है, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, जे एडवांस निकालना भी बहुत आसान काम है, जे एडवांस में रैंक लाना कठिन काम है, जे मेंस में तो रैंक भी आप इजीली ला सकते हो, ठीक है, इतना कि भाई NIT आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो बस इसके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि आप एकदम आपकी मोटिवेशन लेवल बनी रहे,
और आप स्टडी अच्छी खासी पर डे स्टडी अपना स्टडी आवर निकालो। यदि आप ये काम कर लिए तो कोई नहीं रोक सकता है, पेशेंस मत लूज करना कुछ भी हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन टू एक्स एल एन एक्स, टू एक्स एल एन एक्स इज ग्रेटर देन फोर इंटू एक्स माइनस वन, फोर इंटू एक्स माइनस वन माइनस माइनस टू एल एन एक्स माइनस, क्या लिखा है, टू एल एन एक्स माइनस टू एल एन एक्स नेचुरल लॉग फॉर एक्स इज ग्रेटर देन वन। ओके, अब तुम नोटिस करके देखो कि ये ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा दिखे तुम समझ जाना कि ये कैलकुलस का क्वेश्चन है और ये हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स एल एन एक्स इज ग्रेटर देन फोर इंटू एक्स माइनस वन टू एल एन एक्स। ओके, लगाओ तो दिमाग इसमें, बंद ना आवाज आ रहा है। ओके, करो तो इस क्वेश्चन को फटाफट।
ओके गुड। औरों का आया चलो देखो कैसे होगा। देखो अभी अभी मैंने बताया कि अभी जितने भी क्वेश्चन इस टाइप का हम लोगों ने अभी तक किया है सारे में क्या था इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो ये भी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग से जाएगा। ठीक है कैसे जाएगा उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है ठीक है ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन टू एक्स एल एन एक्स इज ग्रेटर देन फोर ऑफ एक्स माइनस वन टू एल एन एक्स फॉर और एक्स इज ग्रेटर देन वन, ये बात प्रूफ करना है। तो तीन फंक्शन है यहाँ पर, देखो ध्यान से तीन टाइप का फंक्शन है। तो हम स्टार्टिंग के दो फंक्शन को प्रूफ कर देते हैं, इसको इसको और फिर इसको इसको प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि एक साथ तीन करना तो ठीक है थोड़ा सही नहीं है। तो चलो स्टार्टिंग का दो सपोज करते हैं। तो स्टार्टिंग का दो क्या है, इसको मैं केस वन मान लेता हूँ। ठीक है और स्टार्टिंग का दो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन टू एक्स एल एन एक्स। तो सिंपल सी बात है, ये बात प्रूफ करना है तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसको इधर ला के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ कर दो। और तुम नोटिस करके देखो एक्स क्या है मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन वन, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो एक्स को मैं इसके नीचे ला सकता हूँ, तो मैंने एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स ले आया। ठीक है और ये ग्रेटर देन एल एन एक्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है हाँ टू बी है। ठीक है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखने के बाद ठीक है मैंने सपोज कर लिया कि लेट एक फंक्शन सपोज कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू एल एन एक्स, ऐसे एक फंक्शन सपोज कर लिया, इसको एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू एल एन एक्स और फिर एफ डैश एक्स निकाल दिया। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, देखो ये वन आ जाएगा और ये माइनस क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स। देखो तो सही लिखाऊँ कि नहीं लिखाऊँ, ठीक है ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है बिल्कुल सही है। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये कुछ नहीं है, देखो तो ध्यान से देखो तो वन प्लस वन बाय एक्स का वन माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं है, बताओ हाँ या ना, है बोलो हाँ या ना। तो ये 1 माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर है। यदि ये 1 माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर है ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है इसका मतलब कि एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा और इक्वल टू भी आ सकता है क्योंकि 1 माइनस है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि नहीं, फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अरे हाँ है ना, जल्दी बोलो कि फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू वन से स्टार्ट हुआ तो एक्स जो है हमेशा वन से ग्रेटर ही आएगा। भाई वन क्या आएगा, वन क्या यानी एक्स क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वन है तो एक्स ग्रेटर देन वन है। दिस इंप्लाइज क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, होगा। तो यदि ये एफ ऑफ वन होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, हमने ये सपोज किया था, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू एल एन एक्स और ग्रेटर देन एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, जब इसमें वन पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया और लॉग वन कितना होता है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। अब इसको इधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन टू एल एन एक्स। अब यही बात था कि नहीं, प्रूफ करना, देखो ये बात था, इसी सी एल आया था, ले आओगे, हो गया प्रूफ, एक पार्ट हो गया कि नहीं हो गया ये पार्ट प्रूफ, बोलो हाँ। सर इक्वलिटी क्यों आएगी सर, एक्स की वैल्यू तो कभी वन हो ही नहीं सकती ना। नहीं एक्स की वैल्यू वन हो नहीं सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो लिख सकता हूँ ना कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन, कि एफ ऑफ वन से हमें एफ एक्स की वैल्यू हमेशा एफ ऑफ वन से बिगर है। और यहाँ पर जीरो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वन पर तो वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड होगा ना, तो इसीलिए जीरो इंक्लूड यहाँ नहीं किया गया। बट जब जीरो इंक्लूड करता हूँ तो इस बात की गारंटी है कि एफ एक्स की वैल्यू एफ वन से तो गारंटी की बिगर ही आएगा, बड़ा ही होगा, इस बात की गारंटी है ना। और यहाँ पे इक्वलिटी थोड़ी ना मैं लगा रहा हूँ, मैं तो बस ये बात बोल रहा हूँ
अच्छा यहाँ पर बोल रही है, हाँ सही बोल रही है, यहाँ नहीं होगा सही, क्योंकि x की वैल्यू 1 है नहीं तो ये 1 हो नहीं सकता है, इसलिए ग्रेटर f डैश x 0 होगा। हाँ ठीक है सही बोल रही है। ओके बताओ समझ में आया कि नहीं, आया समझ में सबको? अरे बताओ आया ना? यस सर। ठीक है तो सेकेंड पार्ट तो खुद से ही कर लोगे, सेकेंड पार्ट कर लोगे खुद से? ठीक है सेकेंड पार्ट तो अब खुद से हो जाना चाहिए, और वो भी नहीं होगा तो फिर हमारा मैथ्स पढ़ाना बेकार है, खुद से कर लेना ठीक है सेकेंड पार्ट। ओके तो देखो आपका इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो चैप्टर है ठीक है वो आपका ख़त्म हो गया। ओके अब जो आपको सीट में सीट जो आपके पास है मॉड्यूल जो है तो मॉड्यूल में आप ठीक है मेरे ख्याल से एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, ठीक है हर टाइप का क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया होगा, एक बार मैं देख ही लेता हूँ दो मिनट के लिए, कि तो मॉड्यूल के क्वेश्चन आप लगा सकते हो सारे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा मैक्सिमा मिनिमा, लास्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर जो है ना लास्ट में कर लेंगे ठीक है, क्योंकि वो अलग ही टाइप का चैप्टर है, तो अप्रोक्सीमेशन का एक दो चैप्टर करा देंगे और फिर रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन करा देंगे क्लास। ठीक है तो देखिए मोनोटोस ठीक है ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन भी डाल रखा है ठीक है ना, तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन छोड़ करके आप सारे क्वेश्चन निपटा सकते हो आप ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को छोड़ करके आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा का भी है उसको बस छोड़ देना, रिमेनिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इनइक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन है उन सभी को कर लेना। समझ गए? समझ में आ गया सबको? मैक्सिमा मिनिमा का भी क्वेश्चन दे रखा है तो अभी हम टॉपिक कराएंगे मैक्सिमा मिनिमा, तो आपका फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके ठीक है तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है? मैक्सिमा मिनिमा, आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म हो गया, इतने ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी के नाम पे तो कुछ नहीं है आपको भी पता है पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर स्टार्ट करो, याद करो ग्राफ जब मैंने पढ़ाया था याद है, तो मैंने मैक्सिमा और मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू में डिफरेंस बताया था याद है किसी को कि मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस है? कौन बताओगे मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस है? अरे कुछ तो आंसर करो, हाँ या ना? ठीक है ध्यान दो, मैक्सिमा मतलब क्या होता है और मिनिमा, मान के चलो कोई ये ग्राफ है ठीक है, और इस ग्राफ में तुम नोटिस करके देखो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमा। तो ये जो एक्स की जो वैल्यू होता है उसको हम मैक्सिमा बोलते हैं, एक्स की वैल्यू को हमेशा क्या बोलते हैं? मैक्सिमा, या मिनिमा आ सकता है ठीक है, और वाई की जो वैल्यू होती है या एफ एक्स की जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू, और क्या सकता है? मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले ये बात सबको ध्यान रखना है, मिनिमम वैल्यू, समझ गया मिनिमम वैल्यू, तो सबसे पहले ये डिफरेंस पता होनी चाहिए कि बच्चे तो आधे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, मैक्सिमा को ही मैक्सिमम वैल्यू बोले, मैक्सिमा मतलब एक्स की वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू, याद रखोगे मैक्सिमा वर्ड जब इस्तेमाल होगा तो मैक्सिमा वर्ड का मतलब, मैक्सिमा या मिनिमा वर्ड इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू, मैक्सिमा या मिनिमा इन्वॉल्व हुआ तो एक्स की वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की बात हुई तो क्या होगा? वाई की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू। क्लियर हो गया ये बात? क्लियर हो गया? ठीक है
तो ये बात सबसे पहली बात ये क्लियर करना था, ठीक है। अब दूसरा कहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, दूसरा होता है लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमम, दूसरा कन्फ्यूजन होता है। कुछ नहीं इस चैप्टर में, बस ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखना है। देखो जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये सपोज ग्राफ बनाया, तो ये मान लेता हूँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट, यहाँ जाके मेरा फंक्शन टर्मिनेट हो जाता, ठीक है, जो भी यहाँ जाके मेरा फंक्शन टर्मिनेट हो जाता ये एक्स, ओके। तो यदि इस ग्राफ को देख करके और हमने बोल दिया क्या, ये एक्स वन मान लो कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स वन से, याद रखना ऊपर इंटरवल लिखा हूँ जी तक है, ये इंटरवल मैंने लिया और इस इंटरवल में मैंने बोला कि भाई ग्लोबल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा। देखो लोकल वर्ड का मतलब क्या होता है सबको पता है, लोकल मतलब क्या है, लोकली, और ग्लोबल मतलब क्या होता है सबको पता है, ग्लोबली। तो तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं ए वाला पॉइंट को बोलूं तो ए वाला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, कि जो उसके आसपास में हम देखेंगे, आसपास मतलब थोड़ा सा आगे पीछे जाएंगे, लेफ्ट राइट जाएंगे और लेफ्ट राइट में देखेंगे कि फंक्शन यहाँ लेफ्ट जाएंगे और राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट में गया और राइट में गया, और लेफ्ट में और राइट में हमने वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू को कंपैरिजन किया। यदि फंक्शन की वैल्यू को कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने पे मान के चलो ये मेरा x2 है और ये मेरा x3 है, और मैंने देखा कि f ऑफ x2 निकाला जो कि f ऑफ a से लेस देन है और f ऑफ x3 निकाला जो कि f ऑफ a से लेस देन है। यदि ये दोनों x2 भी लेस देन है और x3 भी लेस देन है, राइट लेफ्ट दोनों गया, तो हम क्या बोलेंगे एफ ए को, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे एफ ए को, एफ ऑफ ए को लोकल मैक्सिमम, इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को लोकल मैक्सिमम, ठीक है। सिमिलरली ये जो बी पॉइंट हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम, और ऑब्वियस बात है ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसमें तुम नोटिस करके देखो ए पॉइंट, सी पॉइंट, ई पॉइंट, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, लोकल मैक्स। और याद रखना कि जी बी पॉइंट क्या है, जी बी पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि हमारा हमारा जी के बाद तो फंक्शन है नहीं, तो हम सिर्फ जी के लेफ्ट में जाके देखेंगे और लेफ्ट वाले वैल्यू से यदि एफ ऑफ जी बिगर है तो ऑब्वियस बात है लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। खैर हम जी को फंक्शन में ही इंक्लूड नहीं किए हैं तो हम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही x1 को देखो तो x1 को हम क्या बोल सकते हैं, लोकल मिनिमा है, ठीक है, यदि x1 को यहाँ इंक्लूड करते तो सेम स्टोरी जैसे हमने कंटिन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी में लेफ्ट में जाके चेक करते थे, आर एच एल करते थे, इधर आर एच एल करते थे, इधर एल एच एल करते थे, सेम यहाँ भी स्टोरी, कोई डिफरेंस नहीं। और ग्लोबल मैक्सिमा देखे इसमें, तो ग्लोबल मैक्सिमा मतलब क्या हो कि इंटायर जितने भी है सभी में सबसे जो इंटरवल गिवेन है उस इंटरवल में जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू है उसी को क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा, है कि नहीं, उसी को क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा, सही बात है। तो इसीलिए ग्लोबल मैक्सिमा क्या आएगा इस केस में, सी आएगा, और लोकल मैक्सिमा क्या आएगा इस केस में, ठीक है, कौन कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ई आएगा, बस ये तीन आएगा। बोलो बोलो, ठीक है, ओके। तो सेम जिस तरह से ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा हमने बताया उसी तरह से ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मतलब लोकल मिनिमा होगा, और सिमिलरली ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल लोकल वैल्यू होगा, सॉरी लोकल वैल्यू होगा और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगा फंक्शन का, समझ में आता है कि नहीं आई। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, दो बातें मैंने समझाया, पहली बात, हाँ पहली बात मैंने क्या समझाया, पहली बात क्या समझाया कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, दूसरी बात मैंने क्या समझाया लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है। आई होप ये दोनों बात क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बोलो है ना। सबसे पहले ये जो छोटी मोटी डेफिनेशन है इसको आपको समझना पड़ेगा तभी जाके हम क्वेश्चन कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आई होप लोकल मैक्सिमा भी आएगा ना,
हाँ कहाँ लोकल मैक्सिमा, एम एम तो कहाँ, जी भी आएगा ना, जी 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 को मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ ना, देखो ना जब इंटरवल लिया था तो जी पेरिकुलिटी नहीं लगाया हूँ ना, इसलिए मैं इस केस में नहीं लिया हूँ, यदि मैं जी पेरिकुलिटी लगाता तो जी भी आता, ठीक है ओके। तो इसीलिए ठीक है, तो ये हमारा दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो यही पूरा स्टोरी है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में कुछ नहीं, ये दो पॉइंट है ठीक है, ये दो पॉइंट है, एक में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पता, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पता लगा सकते हैं, और तीसरा किसी पॉइंट पे देखना है। तो चलो वन बाय वन हम लोग अब फटाफट, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया, इन सारे पॉइंट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, नहीं है ना क्लियर। तो चलिए सबसे पहला ये सारा लिख लिए, सबसे पहला डेफिनेशन लिखते हैं लोकल मैक्सिमा का, ठीक है, कि हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको। देखो डेफिनेशन वगैरह 13 बैच को कभी नहीं लिखवाया जाता है, ठीक है ना, हम बोल करके सीधे आगे निकलते हैं, तभी जा करके 6 महीना में 9 7 8 महीना में सिलेबस खत्म होंगे, लेकिन मैं इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि आप लोग एकदम जीरो लेवल से हो, ठीक है, बट इस बात का ध्यान रखना ठीक है कि ये सारे चीज़ लिखवाने से ही फायदा नहीं, इनको बार बार आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा तभी जा करके फायदा होगा, नहीं तो पहली बार टर्म सुन रहे हो ना तो भूल जाओगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कि एक्स इक्वल टू अल्फा, ठीक है, एक्स इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड लोकल, ठीक है, मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा इफ एक्स इक्वल टू अल्फा को लोकल मैक्सिमा कब बोलेंगे, जब एफ ऑफ अल्फा, ठीक है, एफ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा माइनस एच, एंड एंड एफ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, है कि नहीं, कि ये अल्फा है ठीक है, ये कोई ग्राफ है और ये अल्फा है और ये अल्फा प्लस एच हो गया और ये अल्फा माइनस एच हो गया, यदि इन दोनों पे ये फंक्शन बिगर है तो हम इस अल्फा को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ एच क्या होगा कि फॉर सम, ठीक है, सम स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एच, फॉर सम स्मॉल वेरी स्मॉल नहीं लिखेंगे, इसीलिए यहाँ एच टेंडिंग टू जीरो मत लिखना, ठीक है, एच टेंडिंग टू जीरो यदि आप लिखोगे डेफिनेशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, फॉर सम स्मॉल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू लिख लेना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एच, ओके, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे अल्फा को, अल्फा को क्या, ये बात हमने समझाया अभी थ्योरेटिकली, सॉरी ग्राफिकल, लोकल मैक्सिमा पर इसी के जस्ट अपोजिट होगा, लोकल मिनिमा होगा, लिखने की जरूरत तो है नहीं, उसके लिखने की जरूरत है क्या, अगर स्कूल है ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्योंकि सेम स्टोरी हो जाएगा लोकल मिनिमा को, समझ पाते हैं कि बोलो आया ना, अरे आया कि नहीं आया, ये बात समझ आया था, अरे कोई तो हाँ बोलो, तभी तो मुझे समझ में आ गया कि समझ में है, हेलो आया समझ में सबको, समझ वाला का सवाल नहीं आया, ठीक आरती आगे समझ में, आगे बढ़े, कोई ऑनलाइन है कि नहीं, मेरा नहीं आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा मेरा नहीं आवाज नहीं आ रहा, चलो हेलो आवाज आ रहा है क्या, क्या हो रहा है, ठीक है फिर मेरा आवाज तो जा रहा है ना, लिख देना, मेरा तो जा रहा था, आपने कब मेरा सुना,
मेरा कह रहा है आज आपको कि हाँ लिख लो, मेरा जा रहा है आपके पास आवाज। हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या आपके पास? मतलब उसमें लिखो हाँ या ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं 10 बजे, ठीक है? चलो कल आप मेन स्टोरी स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही रखते हैं।